लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे ज़्यादा शहद खाना सेहत के लिए हो सकता है नुकसानदायक। कितनी मात्रा में सेहत खाना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आयुर्वेद में शहद को औषधि माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण इम्यूनिटी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। खांसी जुकाम की समस्या हो या त्वचा के लिए फेस मास्क तैयार करना हो, आपको देसी नुस्खों में शहद का जिक्र जरूर मिल जाएगा। फिटनेस बनाए रखने के लिए लोग चीनी की जगह शहद का सेवन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही शरीर की चर्बी कम करने के लिए भी गुनगुने पानी में शहद लेना फायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जरूरत से ज़्यादा शहद का सेवन भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शहद के ज़्यादा सेवन से शरीर को होने वाले नुकसान क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। शहद में प्राकृतिक रूप से शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऐसे में अगर इसका जरूरत से ज़्यादा सेवन किया जाए तो ब्लड शुगर बढ़ने के कारण बन सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या रहती है, उन्हें शहद का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। जरूरत से अधिक शहद लेने से ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ सकता है। शहद का सेवन करने से संपूर्ण स्वास्थ्य को फायदा होता है। यह ब्लड प्रेशर बैलेंस करने में भी मदद करता है। लेकिन वहीं अगर दिन में कई बार सेवन किया जाए तो यह बॉडी फंक्शन को नुकसान कर सकता है और ब्लड प्रेशर लेवल बदलने का कारण भी बन सकता है। अगर सही मात्रा में शहद का सेवन किया जाए तो यह पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन वहीं अगर इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में किया जाए तो ये पेट से जुड़ी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसके सेवन से आपको कब्ज, ब्लोटिंग, पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। अक्सर वजन घटाने के लिए शहद का सेवन किया जाता है, लेकिन अगर आप इसका सेवन ज़्यादा करते हैं तो ये आपके शरीर को उल्टा असर दिखा सकता है। दरअसल शहद में कार्बोहाइड्रेट और शुगर ज़्यादा पाया जाता है, जिससे इसका सेवन करने में शरीर में कैलोरी बढ़ सकती है। शहद में चीनी की अधिक मात्रा होने के कारण ये दांतों से जुड़ी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसके ज़्यादा सेवन से दांत में कीड़ा लगने या दांत दर्द होने की समस्याएं हो सकती हैं। नियमित रूप से शहद का कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, ये जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आपको ब्लड शुगर या अन्य कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो दिन भर में 1 से 2 चम्मच शहद लेना आपके लिए काफ़ी हो सकता है। वहीं अगर आप औषधि के रूप में शहद ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है ज़्यादा है तो शहद मत लें। अगर आपको डायबिटीज कंट्रोल में है तो आधा चम्मच आप शहद ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।